यीशु, जय यीशु चर्च। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उसके पहले भजन संहिता के कुछ पदों को मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 33 उसके 6-9 कलम में ऐसे लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, तब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। आमेन। हमारा परमेश्वर ऐसा सृजनहार है जो अपने शब्दों से जो नहीं था उसे भी जिस प्रकार वो पहले से था उस प्रकार उसकी रचना करता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करने जाने वाले हैं। आइए हम तालियां बजाकर उस परमेश्वर की आराधना करें। खुशियों के साथ और हर्ष के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सम हुआ खुल जाएगा। है पाक यहोवा राफा, तू
देता है। तू है यहोवा ईरे जो मवैया करता है, तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफी दिया, नया जन्म दिया, तुझसे भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफी दिया, नया जन्म दिया, तुझसे भर दिया। और शैतान से उड़ा दिया परमेश्वर के लिए जो सादर आदर और महिमा और जलाल के योग्य है। हमारा खुदा अवर्णित है, वो हमारा परमेश्वर जो अनोखा है उसके कार्यों में, जिसके समान और कोई तुलना नहीं कर सकता, जो सर्व जग में विराजमान है, सर्व स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा, वो आज भी जय देने वाला परमेश्वर है। आइए हम इस गीत को हम तालियों के साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। Me
आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो खुदा है। जब यीशु इस धरती पे थे उस परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया कि मैं तो जाता हूं लेकिन मैं तुम्हारे सहायता के लिए मेरी आत्मा को तुम पर भेजूंगा जो तुम्हें ये कौन से रास्ते जाना है वो तुम्हें बताएगा और हर एक दिशा में हर एक परिस्थिति में वो हमारी सहायता हमारा आश्वासन बनेगा। वो पवित्र आत्मा का वायदा वो यीशु मसीह हमें देकर गए हैं और उसी आत्मा के द्वारा हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्या हम उस परमेश्वर के सामने समर्पण करें इस समय कि परमेश्वर तू अपनी आत्मा के द्वारा तू मुझे चला और मुझे अगुवाई दे कि अपने आंखों के बंद करते हुए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए एक समर्पण के साथ इस गीत को हम गाएं। आत्मा
के दिन विश्व भर में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, और हम इस कलीसिया में भी हम उन माताओं के लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, और कुछ माता से उनका प्रमोशन होकर दादी या नानी भी बन चुके हैं, और हम आज के दिन उन्हें हम आशीषित करना चाहते हैं, और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं माता के रोल के लिए हमारे जीवनों में। मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक जन
आज यदि यहाँ पर हैं तो अपने माँ के कारण आप हैं यहाँ पर। माँ नहीं होती तो आप नहीं होते, और माँ का रोल हमारे जीवन में बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। सबसे बड़ा प्रभाव हमारी माँ की ही होती है, सबसे बड़ा प्रभाव। और आज के सुबह हम इस बात को पहचानते हुए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं चाहूँगा जितने भी माँ हैं आप खड़े हो जाएं, और माँ के साथ में यदि आप नानी और दादी भी हैं आप भी खड़े हो जाएं, और यदि नानी और दादी के भी माँ हैं यहाँ पर वो भी खड़े हो जाएं। आज के दिन ये छोटे बच्चे आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं, एक सुंदर सा फूल और एक बहुत सुंदर बुकमार्क जो आपके लिए बनाया गया है। ये बुकमार्क आप अपने बाइबल में रखिए और इस फूल का आनंद आज के दिन उठाइए। व्हेन वेयर सोफिया गो अहेड सेंड समबडी अपस्टेयर्स। यस ओके, आप लोग गो अहेड एंड स्टार्ट। बेटा जब बच्चे आते हैं आपके पास, जब आप अपने हाथ में लेते हैं तो प्लीज़ ज़रा मुस्कुराइए, उन्हें ये लगने दे कि आप खुश हैं इस बात से, है ना। लंबा सा चेहरा मत रखें और उन्हें आशीष दें जो बच्चे आ रहे हैं आपके पास। लेकिन हम आज के दिन आपके लिए ये प्रार्थना करना मांगते हैं कि आपका जो रोल है परिवार में, आपका जो रोल है आपके बच्चों के जीवन में, आपका जो महत्व है वो परमेश्वर द्वारा आशीषित होने पाए, ताकि एक आत्मिक प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके बच्चों पर पड़ने पाए। पिता का रोल का महत्व अलग है, माता का रोल का महत्व अलग है। और आज की सुबह मैं चाहता हूँ आप जो माँ हैं, चाहे आप ताज़े ताज़े माँ हो या आप बहुत वर्षों से आप माँ हो, जो जवान माँ हैं वो सीख रहे हैं, जो अनुभवी माँ हैं, आपको चाहिए कि जो जवान माँ हैं उनका आप ना केवल अगुवाई करें, परंतु अपने खुद के बेटी के समान आप दूसरों को भी आप प्रभावित करें, दूसरों को भी आप एक माँ बनकर उन्हें आशीष दें। सो आज की सुबह जबकि हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार आपके लिए हर शारीरिक या मटेरियल आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस चर्च में हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चे को जब आप सिखाते हैं तो फिर आप वो मार्ग उन्हें दिखाएं और वो बातें वो सिखाएं जो उन्हें स्कूल में नहीं सिखाया जाता है, और ना ही उन्हें सोसाइटी समाज में सिखाया जाता है, लेकिन वो शिक्षा केवल आप एक आत्मिक माँ के रूप में केवल आप ही आप दे सकते हो। और चर्च में जब आप बच्चे को लाते हो तो आप उन्हें उस तरह से आप प्रभावित करते हो। आप चर्च का मार्ग, चर्च का जो द्वार है, द्वार की ओर जो मार्ग जाती है वो आप दिखाते हो। बाइबल की शिक्षा सबसे पहले आपसे वो सीखते हैं या उन्हें सीखना चाहिए। सो आज की सुबह जबकि हम प्रार्थना करते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस दुआ को आप भी अपने दिल से उठाएं कि हे प्रभु, होने दें कि बाइबल में जो एक माँ का एक वर्णन पाया जाता है उस तरह की माँ मैं बन सकूं अपने बच्चों के लिए। बाइबल में
शुरू से पूरे बाइबल में आप पढ़ते हैं, चाहे वो शमूएल जो सबसे बड़ा नबी था, सबसे महान नबी, उसकी माँ हो जिसका नाम हन्ना था, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की माँ हो मरियम, इन सब से हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और कुछ कुछ सीख सकते हैं। आज जब संदेश हम सुनेंगे तो हम समझेंगे कि वो कौन सी बातें हैं, किस तरह से हम एक आदर्श माँ बन सकते हैं। मैं जानता हूँ आप में से कई लोग शायद हों जिनकी माँ आज जिंदा नहीं है और आपके पास यादें हैं। हमारे खुद के माँ शायद ना हों, लेकिन जो बातें हमारी माँ ने हमें सिखाई है, वो शिक्षाएं, वो बातें तो हमारे ध्यान में हैं, वो बातें हमारे मन में हैं। उन बातों को कम से कम याद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं अपने माँ के लिए, जिनके जीवन से हमने बहुत कुछ सीखा है। हमको और आपको चाहिए कि हमने जो सीखा है उसे हम पूरा करें अपने जीवन के द्वारा। हालेलुया। आइए अपने आँखों को हम बंद करें। यहोवा परमेश्वर, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो फिर बाइबल में भी हम ये बात देख पाते हैं किस प्रकार से आप जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, साथ साथ में आप एक माँ का भी आप हृदय रखते हो और आपके कई आचरण एक माँ जैसे हैं। आप कई चीज़ों को जब हमारे प्रति करते हैं या हमारे ध्यान को खींचते हैं, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। और इसीलिए आप हमारे लिए सबसे बड़े आदर्श हो, आप हमारे लिए सबसे बड़े एग्जाम्पल, जिनको देखकर, जिन्हें सुनकर, जिनके विषय में जानकर हम अपने जीवन में लागू करके हम उसका फल हम देख सकते हैं, हम उसका फल उत्पन्न कर सकते हैं। आज के दिन प्रभु जी, मैं इन माताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबसे 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 जवान या छोटी माँ से लेकर यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग माँ है, प्रभु जी हर एक माँ के ऊपर आपका अनुग्रह, आपका आशीष और आपका अभिषेक मैं मांगता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि जब वे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जब वे अपने बच्चों को मार्ग दिखाते हैं, तो फिर होने दे पवित्र आत्मा, उस शिक्षा के साथ साथ आपका आशीष और अभिषेक भी पाया जाए, ताकि वो शिक्षा, चाहे दुनिया की बाकी शिक्षा उस बच्चे में जीवन भर ना बना रहे, लेकिन जो बाइबल से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा प्रभु जी उस बच्चे के पूरे जीवन भर उसके अंदर बना रहे, ये हम प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। जो वचन वो माँ अपने बच्चों के कान में फुसफुसाती है या बच्चों के सुनने में बोलती है, पिता परमेश्वर आपका अभिषेक उन शब्दों पर इस प्रकार से होने पाए कि वही वचन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उस बच्चे के जीवन में एक अद्भुत कार्य करने पाए। यदि वो बच्चा आगे चलकर प्रभु किसी अंधकार के कार्य में पाया जाए या संगत में पाया जाए या किसी बंधन से बांधा जाए, तो वो वचन जो माँ के उस बच्चे के बचपन में बोया गया है माँ के द्वारा, वो आगे चलकर प्रभु एक अद्भुत कार्य उस बच्चे के जीवन में करने पाए, जिससे वो बच्चा छुड़ाया जा सके। प्रभु जी जब कभी वो बच्चा भटके तो फिर उस बच्चे के ध्यान में वो शब्द आप लाओ जो उस माँ ने उस बच्चे के बचपन में उसके कानों में डाला था। प्रभु जी इस माँ, जितने माँ यहाँ पर हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, इसी उम्र में प्रभु जी वो निवेश करने पाए उन बातों का जो आने वाले समय में बहुत फल उत्पन्न करेगा। प्रभु जी हम सब जानते हैं कि एक माँ का क्या रोल है, क्या प्रभाव है हमारे जीवनों में। मैं प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, कई बार माँ बहुत संघर्ष से होते हुए जाती हैं, कितनी ऐसी रातें होंगी जब माँ
आंसू बहाते बहाते परेशान हो जाती है प्रभु जी अपने बच्चों को लेकर। पिता परमेश्वर आप परिस्थिति को जानते हो, घर में क्या हो रहा है आप जानते हो। हो सकता है वो उन बातों को छुपाने के लिए और बातें दूसरों को बताए, लेकिन आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आपके सामने हम सब नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। सो इसीलिए यहोवा परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगता हूँ, जितने भी माँ हैं प्रभु जिनके आंसू बह रहे हैं उनके बच्चों के कारण, आप उन आंसुओं को देख रहे हो, आप उन आंसुओं को प्रभु जी वो महत्व देते हो जिससे कि आप मजबूर होकर अपने अद्भुत कार्य को आप करते हो। और आज के सुबह मैं इन सारे माताओं पर आपके आशीष को बोलता हूं, आपका अभिषेक को बोलता हूं प्रभु जी। जब वे अपने बच्चों के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो जीवन के शब्द उनके मुंह से प्रवेश करने पाए, जब वे अपने बच्चों पर हाथ रखते हैं प्रभु जी वो भविष्यवाणी करने पाए। यहोवा परमेश्वर आने वाले दिनों के लिए, आने वाले समय के लिए प्रभु जी वो घोषित करने पाए कि मेरा बच्चा इस दिशा में जाएगा, मेरा बच्चा यहोवा परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार इस दिशा में बढ़ेगा। प्रभु जी हर एक मां पर मैं आपके आशीष को बोलता हूं, हर एक मां पर प्रभु जी आपका अभिषेक मैं बोलता हूं यहोवा परमेश्वर। ओ पिता, जब हर एक मां अपने बच्चों के लिए बोझ रखती है प्रभु जी, उस बोझ को वो समझ नहीं पाए, हो सकता कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें समझाओ। हालेलुया, हर एक पर आपका अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु जी, शारीरिक ऊर्जा मांगते हैं, मानसिक बल हम मांगते हैं, भावनाओं में भी मजबूती मांगते हैं प्रभु जी। और होने दे हर एक तरीके से माँ इस बात को सुनिश्चित करे कि उनके घर में जो माहौल है वो एक दैवीय माहौल होने पाए, एक ऐसा माहौल जहाँ पर पवित्र आत्मा अपने आप को स्वागत महसूस करे, एक ऐसा माहौल जहाँ यहोवा परमेश्वर प्रसन्न हो वास करने के लिए। प्रभु जी हर एक माँ इस बात को सुनिश्चित करे, ये मेरी प्रार्थना है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन। जोर से बोलिए आमेन। क्या ये प्रार्थना आप नहीं चाहते हैं अपने लिए? यस, जोर से जितनी माँ हैं आप लोग जोर से आमेन बोलिए। आमेन, प्रेज गॉड, प्रभु आशीष दे। आप अपने स्थानों को ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड, ब्लेस्ड मदर्स डे टू ईच ऑफ यू। और आप सभी को मदर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजिकल मदर्स। और ये केवल उन माओं के लिए नहीं है जो शारीरिक रूप से माँ है, बट फॉर All spiritual mothers. लेकिन हर एक आत्मिक माँ के लिए भी। And this morning it's a joy to be here in this church. और आज की सुबह ये बड़े आनंद की बात है जब मैं इस कलीसिया में हूँ। And all of you have a mother. आप सबके पास माँ होंगी। Maybe your mothers are living. और हो सकता है आपकी माँ भी जीवित हो। Or maybe she is with the Lord. या हो सकता है आपकी माँ भी प्रभु के साथ हो। But you had a mother. लेकिन आपकी एक माँ रही हैं। And today you are a mother. और आज आप भी एक माँ हैं। One of the greatest thing is that we need to honor our father and mother. और एक बहुत बड़ी बात ये है कि हमें अपने माता और पिता का आदर करना है। Very important. बहुत जरूरी है। हाँ, it is in the Ten Commandments as well. और ये 10 आज्ञाओं में भी है। That we need to honor our father and mother. कि हम अपनी माता और पिता का आदर करें। So that our days will be well. ताकि हमारे दिन बेहतर हों। So honoring our parents, honoring God, and honoring our parents is a priority. और परमेश्वर का आदर करना, हमारे माँबाप का आदर करना हमारे लिए एक प्राथमिकता होनी चाहिए। And you know, God knit you together so beautifully in your mother's womb. और परमेश्वर ने बहुत ही सुंदरता से आपको आपकी माँ के गर्भ में रचा है। Psalm 139 verses 13 and 14 says this. भजन संहिता 139 उसका 13-14 इस प्रकार से कहता है। You knit me together in my mother's womb. और तूने एक साथ मेरी माँ के गर्भ में मुझे रचा है। I am fearfully and wonderfully made. और मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। Your works are wonderful. और तेरे कार्य अद्भुत हैं। This morning, do you believe you are fearfully and wonderfully made by God? क्या आज की सुबह विश्वास करते हैं कि आप भयानक और अद्भुत रीति से बनाए गए हैं? Yes.
Hallelujah. Shout a hallelujah. Zordar hallelujah chillaiye. Thank you for making me so fearfully and wonderfully. Aur Parmeshwar se kahe Parmeshwar mujhe bhayanak aur adbhut riti se banane ke liye aapka dhanyawad. Thank you Lord. So let's look to God in prayer. Aaiye prarthna kare. Father, we thank you Lord for our mothers. प्रभु हम अपनी माओं के लिए धन्यवाद करते हैं. We remember them, Lord. हम उन्हें याद रखते हैं. We remember all that they have done for us. और जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया वो सब हम याद करते हैं. Especially, Lord, what they have sowed, they have, Lord, lived lives that honor you. और परमेश्वर खास तौर से जो जीवन उन्होंने जिया आपको आदर देते हुए. And they have sowed godly character in us. और उन्होंने ईश्वरीय चरित्र हम में उत्पन्न कराया. एंड सो वी थैंक यू फॉर देम. और इसलिए हम उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं. इन जीसस नेम वी प्रे. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमेन आमेन आमेन. दिस मॉर्निंग वी आर गोइंग टू लुक एट द लाइफ ऑफ हन्ना. और आज की सुबह हम लोग हन्ना के जीवन से देखेंगे. कैन यू टर्न इन योर बाइबल्स टू 1 Samuel chapter 1. और अपनी बाइबल में पहला शमूएल उसका पहला अध्याय हम लोग निकालेंगे. And as we keep this open, और जब इसको हम खुला रखते हैं, I want you to remind you of a verse found in Proverbs 22 and verse 6. मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक आयत जो नीति वचन 22 का 26 है. 22 and verse 6. 22 का 26. 6. 22 का 6. Sorry. Train up a child in the way they should go, and when they are old, they will not depart from it. और लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा. Hallelujah. What is the word used? Train up a child. और उसमें क्या लिखा है? ऐसी शिक्षा दे. In the way he or she should go. और जिस मार्ग में उसको चलना चाहिए. So this morning, as we look at Hannah, और आज की सुबह जब हन्ना के जीवन की ओर हम लोग देखते हैं, she trained her child, तो उसने अपने संतान को ऐसी शिक्षा दी, in the way he should go, कि जिस मार्ग में उसको चलना चाहिए. Yes, you know, if you turn with me to 1 Samuel chapter 3 and verse 1, और पहला शमूएल उसका तीसरा अध्याय और पहली आयत को हम लोग निकालेंगे. It says, in those days the word of the Lord was rare. उसमें लिखा है उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था. There were not many visions. और दर्शन कम मिलता था. That was the situation of in the temple of God at that time. और इस समय परमेश्वर के मंदिर की स्थिति कुछ ऐसी थी. The word of God was rare. परमेश्वर का वचन दुर्लभ था. There were not many visions. और बहुत दर्शन नहीं होते थे. In that situation, Hannah comes to the house of God. और ऐसी परिस्थिति में हन्ना परमेश्वर के भवन में आती है. And she makes a vow. She cries before God. और परमेश्वर के सामने एक वाचा बांधती है और रोकर कहती है, Lord, if you give me a son, प्रभु यदि तू मुझे एक पुत्र दे, I will give him back to the Lord all the days of his life. तो मैं उसे वापस परमेश्वर को सौंप दूंगी. I'll give him back to the Lord all the days of his life. पूरे जीवन भर वो परमेश्वर का ही रहेगा. And the Lord remembered Hannah. और परमेश्वर ने हाना की स्तुति की. A sincere prayer of Hannah. और एक ईमानदार प्रार्थना जो हन्ना ने करी. Knowing the heart of God. परमेश्वर के हृदय को जानते हुए. What was the heart of God? There was a need for a prophet in that generation. और परमेश्वर का हृदय क्या था? उस पीढ़ी में एक भविष्यवक्ता की आवश्यकता थी. There was a need for God's word to be spoken. और परमेश्वर का वचन बोले जाने की एक आवश्यकता थी. And she understood that need in the heart of God. और परमेश्वर के हृदय में उस आवश्यकता को वो समझ गई. And she was ready to give her son back for the Lord's service. और वो तैयार थी कि अपने उस पुत्र को वो परमेश्वर की सेवा के लिए वापस दे. And God blessed her with her son. और परमेश्वर ने उसको एक पुत्र से आशीषित किया. Because and she named him Samuel. और उसका नाम शमूएल रखा. Because I asked the Lord for him. और उसने कहा क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा.
Then she did something very unique. और फिर कुछ बहुत खास उसने किया. Hannah wanted to dedicate Samuel. और हन्ना शमूएल को समर्पित करना चाहती थी. In the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में. Before she gives him to Eli the high priest. और इससे पहले वो एली को उसे सौंपे. So if you read chapter 1 and verse 22, chapter 1 and verse 22 of 1 Samuel. पहला शमूएल उसका 1 का 22 यदि आप पढ़ते हैं. It says she said to her husband. और हन्ना ने अपने पति से कहा. After the boy is weaned. और जब बालक का दूध छूट जाएगा. I will take him and present him before the Lord. तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वे यहोवा के मुंह दिखाए. And he will live there always. और वो वहां सदा बना रहे. Verse 23, Elkanah tells her, "Do what seems best to you." उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर. Stay here until you have weaned the child. जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे. Only may the Lord make good his word. केवल इतना ही हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे. Wow, what a heart of even the husband. और एक क्या हृदय है उस पति का भी. It was Hannah who made the vow. वो हन्ना थी जिसने उस वाचा को बांधा. That she will give the child back to God. कि वो उस संतान को परमेश्वर को वापस सौंप देगी. But her husband comes alongside to support her decision. लेकिन उसका पति उसके साथ आता है उसके इस फैसले को सहयोग करने के लिए. Do what seems best to you. और जो तुझे भला लगे वही कर. You know, that's such a beautiful picture of a husband who supports his wife when she wants to do something for the Lord. और ये एक सुंदर चित्र है एक पति का जो अपनी पत्नी का सहयोग करना चाहता है वो पत्नी जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहती है. Who will want to give a little boy and go and leave him in the temple? I mean, if you think of it yourself, it looks, you'll have 100 questions. How will the little boy manage in the temple? आप अपने आप को स्थान पर रख के देखें तो ये कैसे संभव लगता है कि आप अपने एक छोटे बच्चे को आप उस मंदिर में छोड़ दें, कैसे वो अपना पालन पोषण करेगा? But Hannah weaned the boy, meaning she spent time with him, weaning him from being attached to her. She was detaching her son from him. और जब हन्ना उसके साथ थी जब तक वो दूध पीता था तो हन्ना उसको फिर धीरे धीरे अपने आप से और करीब लाने की बजाय उसको दूर करने लगी. एंड शी वॉज टेलिंग हिम अबाउट वॉट शी वॉज गोइंग टू डू विथ हिम. और उसको बताने लगी कि वो उसके साथ क्या करने वाली थी. That she would take him to the temple and he would serve in the temple. कि वो उसको मंदिर में ले जाएगी और वो मंदिर में सेवा करेगा. If I was thinking of myself, would I have left my son in the temple and told him, today you have to dust the whole church, you are the one who has to polish all the candle stands and you have to be in the temple. और इस प्रकार से सोचिए कि अपने बच्चे को वहां पे छोड़ा और उससे कहा कि तुम्हें सारी सफाई करनी है, तुम्हें मोमबत्तियां जलानी है और ख्याल रखना है उस मंदिर में. So she weaned him and then brought him to be dedicated in the temple. और उसने दूध छुड़ाया और उसको मंदिर में ले आई समर्पित होने के लिए. And she did not come empty-handed. और वो खाली हाथ नहीं आई. If you see verse 20, from verse 24, it says she brought a 3-year-old bull, an ephah of flour and a skin of wine. और 24 आयत में लिखा है जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एफा भर आटा और दाख मधु ले गई. And then the bull was sacrificed and then she brought the boy to the priest Eli in the temple. और उस उन बछड़ों का बलिदान चढ़ाया गया और एली जो याजक था उसके आगे प्रस्तुत किया. And she reminded him about that day 1 year back when she had cried in the temple. Eli was a witness. और उसने याद दिलाया एली को कि जब एक समय कुछ पहले वो वहां रो रही थी उस मंदिर में तब एली आंखों देखा गवाह था.
She told him, I prayed for this child and the Lord granted me what I asked him. और उसने कहा, मैंने इस पुत्र के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करी थी और उसने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया. So now I will give him to the Lord. और अब मैं उसको परमेश्वर को सौंप दूंगी. For his whole life he will be given over to the Lord. और पूरे जीवन भर वो परमेश्वर के लिए जिएगा. So this was the plan in the heart of Hannah, which was actually the need in the, it was something in the heart of God. God, a prophet had to be raised. और ये उसके हृदय की इच्छा थी और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हुए वो उसने कहा कि एक भविष्यवक्ता जरूर उत्पन्न होना चाहिए. So she trained the child in that direction. और उस दिशा में उसने उस संतान की अगुवाई करी. As mothers, we should know the way our children need to go. और माँ होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों को किस मार्ग पे चलना है. And the most important thing is our children should know the Lord. और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे बच्चे परमेश्वर को जाने. They should worship the Lord. वो परमेश्वर की आराधना करें. And if you go to chapter 2 in 1 Samuel, it talks of the song, the prayer of praise that Hannah sings. और दूसरे अध्याय में यदि हम देखते हैं तो हन्ना की प्रार्थना को देख पाते हैं. How she sings this beautiful song and you know she declares the goodness and the faithfulness of God. और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो परमेश्वर की भलाई की घोषणा करती है, उसकी विश्वास योग्यता की घोषणा करती है. 2 verse 11 says, and the boy Samuel ministered before the Lord under Eli the priest. और 2:11 कहता है जब वो परमेश्वर की सेवा करता था एली याजक के सामने. Chapter 2 verse 21 says, the boy Samuel grew up in the presence of the Lord. और 2:11 कहता है कि वो लड़का सैमुएल परमेश्वर के संग रहता हुआ बढ़ता गया. The Eli's sons were not walking in the right path. और एली की जो संतानें थी वो सही दिशा में नहीं चल रहे थे. He was a priest. वो याजक था. But his children were doing all that didn't please the Lord. लेकिन उसकी संतानें वो कामों को कर रही थी जो परमेश्वर को नहीं भाता था. And God is bringing a little boy Samuel to serve in the temple. और परमेश्वर के सम्मुख वो शमूएल बड़ा हो रहा था उस मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने के लिए. So the parents left him there and they have gone home. और उसके माता पिता ने उसको उस मंदिर में छोड़ा और वो वापस घर चले गए. And chapter 3 verse 1 says the boy Samuel ministered before the Lord under Eli. और 3:1 कहता है कि वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा. The boy Samuel ministered before the Lord. और वो शमूएल परमेश्वर की सेवा टहल करता रहा. उसको किसने ये सिखाया? Where did he learn this? उसने कहां से सीखा? How to minister before the Lord? कि परमेश्वर की सेवा कैसे करनी है? The next verse says how he used to lie down next to the ark of the covenant. और उसमें लिखा है कि किस प्रकार से वो वाचा के संदूक के निकट लेटा हुआ था. And he used to light the candles in the temple. और वो कैसे उस मंदिर में मोमबत्ती को जलाता था? He was faithful. वो विश्वास योग्य था. Day after day. और हर दिन whatever his mother had taught him, जो भी उसकी माँ ने उसको सिखाया था, he was doing, वो कर रहा था. And slowly he started to connect with God. और धीरे धीरे वो परमेश्वर से जुड़ता चला गया. And he was detached from his parents. और अपने माता पिता से अलग होता गया. He was under Eli the high priest. और वो एली महायाजक के अंतर्गत सेवा करता था. So he learned submission to authority in the temple. और उस मंदिर में उसने अधिकार के अधीन होना सीखा. And even though the situation was not good. और जबकि परिस्थितियां भले ही अच्छी नहीं थीं. And then comes one day when God calls Samuel. और फिर एक दिन ऐसा आता है जब परमेश्वर शमूएल को पुकारते हैं. Samuel. 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 He didn't know that God was calling him. उसे नहीं पता था कि परमेश्वर उसको पुकार running, रहे हैं. He kept running to the priest. और वो बार-बार एली याजक के पास जाता था. Did you call me? क्या तूने मुझे बुलाया?
The priest Eli said, "No, I never called you." और एली कहता था, नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया. So he goes back to और bed. और वो वापस जाके सो जाता था. Again. और फिर उसको आवाज सुनाई देती थी. Then finally the priest told him. और फिर याजक ने उससे कहा, It is God who's calling you. वो परमेश्वर है जो तुझे पुकार रहा है. You just say, "Lord, here I am." और कह दे, प्रभु, मैं यहाँ हूँ. Speak to me. मुझसे बोल. Your servant is listening. तेरा दास सुनता है. What a beautiful line that the priest taught this boy. और कितनी सुंदर बात थी उस याजक ने शमूएल को सिखाई. Speak, Lord. बोल प्रभु. For your servant is listening. तेरा दास सुनता है. So we find a godly mother and father as well. तो यहाँ पर हम एक ईश्वरीय माता पिता को देखते हैं. We also see the priest. और हम एक याजक को भी देखते हैं. Who said the right thing to Samuel? जिसने शमूएल से सही चीज कही. And then you see what happened to Samuel. God spoke everything to Samuel. और फिर हम देखते हैं कि शमूएल से किस प्रकार से परमेश्वर ने बातें करी. Chapter 3 verse 19 says, "The Lord was with Samuel as he grew up." और 3:19 कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा. And he let none of Samuel's words fall to the ground. Hallelujah. और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल ना होने दी. Wow. Hallelujah. Hallelujah. You say it with me. The Lord was with Samuel. मैं साथ बोली, परमेश्वर यहोवा के साथ था. As he grew up. परमेश्वर शमूएल के साथ था और जैसे वो बड़ा होता गया. परमेश्वर शमूएल के साथ था जैसे वो बड़ा होता गया. And he let none of his Samuel's words fall on the ground. और एक भी शब्द उसने निष्फल ना होने दिया. Hallelujah. Say it together, church. एक साथ क्या हम दोहरा सकते हैं? परमेश्वर शमूएल के साथ था और परमेश्वर ने शमूएल का एक भी शब्द निष्फल ना होने दिया. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Not even one word went to waste. It never fell on the ground. और एक भी शब्द शमूएल का निष्फल नहीं हुआ. And then God raised him to be the prophet. और परमेश्वर ने उसको एक भविष्यवक्ता के रूप में तैयार किया. If you read the book of Samuel, you will see how amazingly God used him as a prophet. और अगर आप शमूएल की पुस्तक को पढ़ें, उसमें आप देखेंगे कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने शमूएल को इस्तेमाल किया. What his mother taught him? उसकी माँ ने उसको क्या सिखाया था? He did it. उसने वैसा ही किया. And then in the temple, as he was growing, he heard the voice of God. और जब वो मंदिर में बड़ा हो रहा था, तो उसने परमेश्वर की आवाज को सुना. And even if you look at chapter 16, you know he goes into the house of Jesse. और यदि आप 16 अध्याय को देखें, तो उसमें भी जब वो जेसे के घर को जाता है. Because he had got used to hearing the voice of God. क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज सुनने का आदि हो गया था. So he goes there to anoint one of Jesse's son to be the next king. और इसलिए वो जाता है कि जेसे के एक पुत्र को अगला राजा होने के लिए अभिषेक करे. So you see Samuel as someone who just listened to God's voice and did it. और शमूएल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था और बिल्कुल वैसा ही करता था. Was his mother's heart, desire fulfilled? क्या उसकी माँ के हृदय की इच्छा पूरी हुई? Yes. Tell me, church, was? आप बताइए, क्या शमूएल के माँ के हृदय की इच्छा पूरी हुई? Yes. Did she train him up in the way he should go? क्या जिस मार्ग में शमूएल को चलना था, उस तरीके से उसने उसको शिक्षा दी? Yes. And did he became the prophet for Israel? Hallelujah. इज़राइल के लिए वह भविष्यवक्ता बना. Hallelujah. Mothers, you have the responsibility to train up your children. You can only train them when they are little. और माओ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दें जिस मार्ग पर उन्हें चलना है. और आप ये शिक्षा उनको तभी दे सकते हैं जब वो छोटे हैं. Children, when they are children. जब वो बच्चे हैं. You can train them. आप उन्हें शिक्षा दे सकते हैं. Hallelujah.
Yes, and today is Mother's Day. और आज माताओं का दिवस है. And we as mothers, we remember what our mothers did. How did they train us? और हम लोग याद करते हैं कि हमारी माँओं ने हमें कैसे शिक्षा दी. Do you remember that? क्या आपको याद है? Do you remember not just the food she cooked or the places she took you? I'm not talking of that. Very good. और केवल भोजन की बात नहीं हो रही है जो वो आपके लिए बनाती थी या वो स्थान जहां वो आपको लेके जाती थी. दे आर ऑल इन द फिजिकल रेल्म. ये सब शारीरिक और भौतिक बातें हैं. समटाइम्स एज फैमिलीज वी ओनली लिव ऑन द फिजिकल रेल्म. और कई बार कुछ परिवार होते हैं जो केवल भौतिक क्षेत्र में ही जीते हैं. व्हाट टू ईट टुडे, व्हाट टू ड्रिंक टुडे, व्हाट टू वेयर टुडे, वेयर टू गो टुडे, यही है. क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहां जाना है. देयर इज नो वुमेन हु हैव द हार्ट ऑफ हैना. लेकिन ऐसी महिलाएं नहीं मिलती जिनका हृदय हाना के जैसा हो. Who is planning for her son? जो अपने पुत्र के लिए एक ऐसी योजना बनाती है. And dedicating him in the temple. और उसको मंदिर में समर्पित करती है. So that he will be a blessing to the nation of Israel. ताकि इज़राइल राष्ट्र के लिए वो आशीष का कारण बने. Because I told you at the beginning, the word of God was rare. क्योंकि उस समय परमेश्वर का वचन दुर्लभ था. मदर्स, आई एम स्पीकिंग नॉट जस्ट टू द मदर्स हु हैव गिवन बर्थ टू देयर चिल्ड्रन. और माओ, मैं केवल उन माओ से बात नहीं कर रही हूं जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है. बट आई एम टॉकिंग टू मदर्स एंड फादर्स हियर. लेकिन मैं माओ से और पिताओं से भी बात कर रही हूं. हु कैन बी स्पिरिचुअल मदर्स टू पीपल अराउंड देम. जो अपने आसपास के लोगों के लिए आप आत्मिक मां बन सकती हैं. Would you? क्या आप बनेंगी? To be a spiritual mother. क्या आप किसी की आत्मिक मां बनेंगी? Which means you have to invest your life like the way you invest on your children. इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से आप अपने बच्चों के जीवन में अपने जीवन को आप निवेश करती हैं, वैसे आपको उनके जीवन में भी करना होगा. यू हैव टू इन्वेस्ट योर लाइफ इनटू अदर्स अराउंड यू. जो आपके आसपास के लोग हैं उनके लिए भी आपको अपने जीवन को निवेश करना होगा. हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर योर स्पिरिचुअल मदर्स हियर. आप में से कितने लोगों को आपकी आत्मिक माँ याद है? और Anybody who helped you grow in the Lord. या कोई भी जिसने आपकी सहायता करी परमेश्वर में बढ़ने में. Do you remember someone like that? क्या आपको कोई याद है ऐसा? Yes. It wasn't your mother who gave birth to you. It was someone else. और हो सकता है वो आपकी माँ ना हो जिसने आपको जन्म दिया, लेकिन कोई और महिला हो सकती है. You were in a great problem. आप एक बड़ी समस्या में थे. And she came and helped you. वो आई और उन्होंने आपकी सहायता करी. You were, you know, in a situation where you were lost, but she came and rescued you. आप एक ऐसी परिस्थिति में थे जब आप खोए हुए थे और वो आई और आपको छुड़ाया. And this morning, this is what I want to encourage you, church. और आज की सुबह मैं आपको यही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ. That you would cross your comfort zone. कि आप अपने सुविधा क्षेत्र के बाहर निकलें. If you want to be a blessing. अगर आप एक आशीष होना चाहते हैं. You have to cross it. Just not think only about your children and your husband. और केवल आप अपने बच्चों और पति के बारे में ना सोचें. That's not enough in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में ये काफी नहीं है. You have to think beyond yourself. आपको अपने से आगे सोचना है. I just remember few instances about my own mother. और मुझे कुछ बातें याद हैं मेरी खुद की माँ की. I was born when my mother was having high dengue fever. और मेरा जन्म जब हुआ तब उस समय मेरी माँ को बहुत तेज डेंगू का बुखार था. So I was a premature baby. और मैं समय से पहले पैदा हुई. So with high fever she gave birth to me. और बहुत तेज बुखार में उन्होंने मुझे जन्म दिया. Because of which I did not cry when I came out. और इस वजह से जब मेरा जन्म हुआ मैं रोई नहीं उस पल. And I was a blue baby.
और मैं नीली हो गई थी. I was almost dying. और मैं बिल्कुल मरने की कगार पर थी. And the doctor who was there. और जो डॉक्टर वहाँ पर थे. She had the presence of mind. और उनका दिमाग अच्छे से उस वक्त काम किया. When I did not cry, she just asked for ice cold water. और जब मैं नहीं रो रही थी, तो उन्होंने ठंडा पानी मंगाया. And she just put me into that basin of ice cold water. और उस बर्फ के पानी को एक बर्तन में रखा और मुझे उसमें डुबा दिया. And I screamed my head off. और मैं बहुत कस के चिल्लाई. And life came into me. और जीवन मुझ में आ गया. And from a blue baby, I became a pink baby. They say. मैं नीले से गुलाबी हो गई. It was a miracle of God. और वो परमेश्वर का एक चमत्कार था. So my mother constantly reminded me. और मेरी माँ मुझे बार बार उस बात को याद दिलाती रही. If God saved you, कि अगर परमेश्वर ने तुम्हें बचाया you है, have a purpose to live. तो तुम्हारा एक उद्देश्य है जिसके लिए तुम्हें जीना है. Remember that. याद रखो. Even at a young age, she trained me in the ways of God. और छोटी आयु में भी उन्होंने मुझे परमेश्वर के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी. She realized that I was very slow in my physical activity because I was a premature baby. क्योंकि मेरा जन्म थोड़ा पहले हो गया था समय से, तो मैं अपनी शारीरिक गतिविधियों में थोड़ा कमजोर थी. But I was very good in talking and singing. लेकिन गीत गाने और बात करने में मैं अच्छी थी. So she started teaching me little songs and sing with me, and that's how she started training me in the word of God. और वो मुझे गीत गाना सिखाती गई, मेरे साथ गाती थी, और उसी प्रकार से मुझे परमेश्वर के वचन में वो शिक्षा देती गई. Then after a little while, और कुछ समय के बाद, when we were going to school, जब हम स्कूल जाने लगे, mommy and me used to catch a train and walk to school after that. तो मेरी माँ जब मुझे छोड़ने जाती थी, हम लोग ट्रेन से जाते थे, फिर हम लोग पैदल चलते थे. She used to teach scripture to me on my way to school. रास्ते भर स्कूल जाते वक्त वो मुझे परमेश्वर का वचन सिखाती रहती थी. I used to recite Psalm 23. She used to say, I used to repeat. और वो जो भजन बोलती थी, मैं उसको दोहराती थी. The Lord is my shepherd, I shall not want. यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कमी ना होगी. And every day while walking, she used to keep repeating verses. और हर दिन जब हम लोग चला करते थे, तो वो कुछ वचन की आयतों को दोहराती रहती थी. Slowly I realized that the scriptures had already got into me. और मुझे फिर एहसास हुआ कि परमेश्वर का वचन तो मुझ में अंदर जा रहा था. And she also did another way of training. और एक और प्रकार से उन्होंने मुझे शिक्षा दी. What she could not do. और वो क्या नहीं कर सकी. She asked her best friend to mentor me. और जो वो खुद नहीं कर पाई, उन्होंने अपनी सबसे अच्छी मित्र से बोला कि वो मेरी अगुवाई करें. So after school, when I was playing, my mummy's friend would call me. तो स्कूल के बाद जब मैं खेल रही होती थी, तो मेरी माँ की जो मित्र थी, वो मुझे बुलाती थी. And she used to, in a very casual way, teach me stories of the Bible, and I used to enjoy the stories of the Bible when she taught me. और वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे परमेश्वर के वचन से कुछ कहानियों को बताती थी, और अच्छा समय हमारा होता था, मैं सुनती थी. She used to pray with me. वो मेरे साथ प्रार्थना करती थी. She used to tell me little things that I should not do. और वो कुछ ऐसी बातें मुझे सिखाया करती थी, जो चीजें मुझे नहीं करनी है. One of the songs she taught me, oh be careful little eyes what you see. और एक जो गीत उन्होंने मुझे सिखाया, वो ये था कि खबरदार छोटी आंख क्या देखती. There's a father up above. और हमारा एक पिता है जो स्वर्ग में है. Looking down in love. जो नीचे देखता प्रेम से. Oh be careful little eyes what you see. खबरदार छोटी आंख क्या देखती. Do you know that in Hindi? क्या हिंदी में आता है? Can we sing it? क्या उसको हम गा सकते हैं? First, I don't know in Hindi. I can sing in English. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. There's a father up above looking down in love. Oh, be careful, little Then, oh, be careful, little ears, what you hear. और खबरदार छोटे कान क्या सुनते. Then, oh, be careful, little mouth, what you speak. और खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता. She made me God conscious. और उन्होंने मुझे बहुत परमेश्वर के प्रति संवेदनशील बनाया. Even if I had wanted to do something, immediately in my mind, I used to remember, oh, Jesus will not like it. और कुछ भी यदि मैं करना चाहती थी, तुरंत मुझे एहसास आता था, अरे यीशु को ये अच्छा नहीं लगेगा.
I'm telling you, you know, she told me that you should not watch movies. और मुझे याद है उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें मूवी नहीं देखनी चाहिए. And my parents, I think once in a while, enjoyed going for movies. और मुझे याद है कुछ समय ऐसा था जब मेरे माता पिता को मूवी देखने जाना अच्छा लगता था. हाँ, so one day when they took me along. और जब एक बार वो मुझे साथ में लेकर गए. My dad and mom said I cried like anything in the hall. और मैं हॉल में बहुत बुरी तरीके से रोई. And what was I crying? और मैं क्या रो रही थी? Jesus doesn't like movies. और मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे बताया गया था कि यीशु मसीह को नहीं पसंद है कि हम लोग मूवी देखें. Who taught you? किसने सिखाया? Kasturi Perema taught me. She was my mother's best friend. I called her Perema, means buddy mommy. और मेरी जो मम्मी की जो मित्र थी उन्होंने मुझे ये सिखाया था. So it was, I cannot see those things. Jesus doesn't like movies. Until today I do not watch movies. और मैं नहीं देखती थी उस वक्त और मैंने कहा यीशु मसीह को नहीं पसंद है और आज भी मैं किसी भी मूवी को नहीं देखती. Because it was the seeds were sown by my spiritual mother. क्योंकि मेरी आत्मिक माँ के द्वारा मुझ में वो बीज बोए गए. She always said, instead of sitting at home and wasting time in these, go out and help someone. और वो सिखाती थी कि घर पे बैठकर समय इन चीजों में व्यर्थ करने से अच्छा है बाहर जाओ किसी की सहायता करो. And you know, she's not married till today. She's almost 90 years old. My buddy mummy. 90 वर्ष की है और उन्होंने विवाह नहीं किया था. And last week she conducted a VBS for 5 village slum children. और पिछले वर्ष उन्होंने 5 गांव के बच्चों के लिए उन्होंने एक VBS किया. That's the heart she has even in her old age. और इस उम्र में भी उनका ऐसा हृदय है. She had a heart. She set herself apart for God's work. और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के कामों के लिए अलग किया. And even last week when I talked to her, she said, "Angie Ma, God has called me to be His servant." और पिछले हफ्ते जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा, "Angie, मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए बुलाया है." How do you go in the hot sun, travel so many kilometers to the village and sit under the tree? And how do you do the VBS? I asked her. और मैंने पूछा इतनी धूप में आप कैसे यात्रा करके जाती हैं VBS कराने के लिए? She says Jesus has told me. He tells me every day what I should do. और उन्होंने कहा कि यीशु मुझे बताते हैं हर दिन कि मुझे क्या करना है. So just like Samuel, who heard the voice of God. जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना. We too can hear the voice of God. हम भी परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं. And we can do what he tells us to do. और जो हमें वो करने के लिए कहता है वो हम कर सकते हैं. And you know, parents, you are the best role models for your children. और माता पिता आप अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया आदर्श बन सकते हैं. You know, children learn more by what they see in us. और बच्चे देखकर जो वो हम में देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं. We are not perfect parents, mothers. और हम लोग सिद्ध नहीं हैं. There are mistakes we make. और कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं. But we must have that heart of God. लेकिन परमेश्वर का हृदय हम में होना चाहिए. So that we can be a role model to our children. ताकि हम अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बन सकें. Because what we do influences the next generation. क्योंकि जो हम करते हैं वो अगली पीढ़ी को प्रभावित करता है. If the whole time we are watching movies in the house, और अगर पूरा वक्त हम घर पर मूवी देख रहे हैं, our children will be watching movies all their lives. तो हमारे बच्चे अपने जीवन भर मूवी देखते रहेंगे. If they have not seen you serve people, और यदि उन्होंने आपको नहीं देखा पर लोगों की सेवा करते हुए, they will never know what serving is. तो वो जानेंगे नहीं कि सेवा करना क्या होता है. And another thing is that, you know, your home should be a place, an open home. और आपका घर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो एक खुला घर हो. Why I'm saying is because, you know, our homes are not just for the 4 or 5 of us. क्योंकि हमारा घर केवल हम 4-5 लोगों के लिए नहीं होता है. Or for our brothers or sisters, that's it. या जो हमारे भाई बहन केवल उनके लिए नहीं. If you have the heart of God, अगर आप में परमेश्वर का हृदय है, and you see somebody lost in the world, और आप देखते हैं कोई संसार में खोया हुआ है, even in the church, कलीसिया में भी यदि कोई ऐसा है जो खोया हुआ है, call that person home. आप उसको घर बुलाइए. Call them home. Spend time with them in your home. आप उनके साथ समय बिताइए अपने घर में. It takes a lot of
time, your time. और हो सकता है उसमें काफी समय आपका लगे. But if when you invest in the lives of children who are not your own children, लेकिन यदि आप ऐसे बच्चों में अपना जीवन निवेश करते हैं जो आपके खुद के बच्चे नहीं हैं, you will see what God can do. तो आप देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं. When my husband and myself were in the church here at Lalbag, Lalbag Methodist Church. मेरे पति लालबाग मेथोडिस्ट चर्च में सेवा करते थे. There was a big house next to the church. और चर्च के बगल में बड़ा घर हम लोग को मिला हुआ था. Which was the pastor's residence. जो पास्टर के रहने के लिए घर था. But I thank God that our home, you know, was open to children who did not have a home in Lucknow. और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि हमारा घर एक ऐसा घर रहा, उन लोगों के लिए घर रहा, उन बच्चों के लिए जिनका लखनऊ में खुद का घर नहीं था. There were many students who had come to do medical studies from Northeast in KGMC. ऐसे बहुत से बच्चे थे जो पढ़ाई के लिए लखनऊ आए हुए थे, जैसे कि KGMC में. There was a young man who was from Andaman. और एक जवान व्यक्ति जो अंडमान से आए हुए थे. There were children who came from different places to study in the city of Lucknow. और अलग-अलग स्थानों से लखनऊ में सेवा के लिए लोग आए थे. And when you are away from home, you need a home. और जब आप अपने घर से दूर होते हैं, तो आपको भी एक घर चाहिए. When you are crying, they need to be comforted. और जब वो रोते हैं, तो उन्हें भी जरूरत होती है कि कोई उनको शांत कराए, आराम दे. When they haven't had good food through the week, और जब उनको हफ्ते भर में अच्छा भोजन नहीं मिलता, you know, they long for home food. तो वो घर के भोजन का तरसते हैं. And then, you know, this is the time that we can be a mother to them. और ये वो समय होता है जब हम उनके लिए एक माँ बन सकते हैं. I want to tell you that in the Bible, the motherly characteristics are found in God. और बाइबल में यदि हम देखें तो एक माँ का जो चरित्र होता है वो परमेश्वर में पाया जाता है. Jesus says, यीशु ने कहा, like a mother hen gathers her chicks, और जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, I gather you, और मैं तुम्हें संभालता हूँ. Meaning God is saying that's the mother's care I want to give you. और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि एक माँ का तरह मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ. But Jesus tells this to he says, Jerusalem, Jerusalem, I want to do this like a mother hen, but you are not willing. और परमेश्वर कहते हैं, यरूशलेम, मैं तेरे लिए माँ के समान ख्याल रखना चाहता हूँ. But you are not willing. लेकिन तुम इच्छुक नहीं हो. You know, sometimes, you know, God is waiting for that relationship. परमेश्वर एक ऐसे रिश्ते के लिए इंतजार करते हैं. The relationship that we enjoy with our mother. एक ऐसा रिश्ता जो हम अपने माँ के साथ आनंद उठाते हैं. And he wants to gather us. और वो हमें इकट्ठा करना चाहता है. Like a mother hen. एक माँ के, एक मुर्गी के समान. Then in Deuteronomy we read about a mother eagle. और व्यवस्था विवरण में हम एक चील के बारे में पढ़ते हैं. When the eagle is teaching its little ones to fly, the eagle just comes down and hovers over its young. और जब चील अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है, तो वो अपने बच्चों के साथ उनके ऊपर उड़ती है. The eagle will not let the little one fall down. वो अपने बच्चों को गिरने नहीं देगी. That's the heart of God. ये परमेश्वर का हृदय है. God cares for us. परमेश्वर ऐसे हमारे ख्याल रखते हैं. God comforts us. परमेश्वर ऐसे हमें आराम देते हैं. Like a mother comforts her children. जैसे एक माँ अपने बच्चों को आराम देती है. Isaiah 49:15 says, just like, and Isaiah 66:13 says that, you know, that's the heart of God. और जैसे यशाया में लिखा है कि ये परमेश्वर का हृदय है. We can read these two verses in Hindi, Isaiah 49:15 and Isaiah 66:13. और हम लोग पढ़ेंगे यशाया 39 और उसका 15, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, 49:15, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता. हालेलुया. कैन गॉड फॉरगेट यू? क्या परमेश्वर आपको भूल सकता है? No, tell your friend next to you, your neighbor, God will never forget me. ने बगल वाले व्यक्ति से बोली, परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेगा.
Never. कभी नहीं. Never forget you. कभी नहीं भूलेगा. Hallelujah. Hallelujah. That's the heart of the mother as well. The mother cannot forget. वो आपकी माँ आपको नहीं भूल सकती. Just like that, God, even if your mother forgets, the Lord will never forget you. यदि माँ भूल भी जाए तो परमेश्वर नहीं भूलेगा. Isaiah 66:13 says. और यशाया 66 का 13 कहता है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा. तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी. हालेलुया. हालेलुया. God comforts us. परमेश्वर हमें आराम देते हैं, शांति देते हैं. Tell your neighbor, God comforts us. अपने पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर हमें शांति देते हैं. Just like a mother. एक माँ के समान. How many times has your mother come and come? ठीक है, it's okay, go on, doesn't matter, go on. कितनी बार आपकी माँ ने आपके पास आके कहा होगा, ठीक है, होता है, बढ़ो, आगे बढ़ो. आगे बढ़ो, never gives up. हार मत मानना. You know, so many times we have encouraged our children like that. और कितनी बार हमने अपने बच्चों को इस प्रकार से प्रोत्साहित किया. They come crying home. ये हो गया स्कूल में, वो हो गया. What do you do? और जब वो रोते हुए आपके पास आते हैं, स्कूल में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो आप क्या करते हैं? What is the role of the mother? एक माँ का उस वक्त भूमिका क्या है? You comfort them. आप उन्हें शांति देते हैं. You encourage them. आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं. Doesn't matter. They might have failed in some paper and they are scared to show you their paper. और यदि वो किसी पेपर में विफल भी हो जाए, आपको वो दिखाने से डरते हो. What do? You check them, but also encourage them. आप क्या करें? आप ठीक है, उन्हें आप समझाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप उन्हें प्रोत्साहित encourage them. उन्हें प्रोत्साहित करें. Your children need your encouragement. आपके बच्चों को आपका प्रोत्साहन चाहिए. Just like your heavenly father. बिल्कुल आप स्वर्ग पिता के समान. So a mother is someone who displays God's character on earth. एक माँ वो है जो परमेश्वर के चरित्र को इस पृथ्वी पर दिखाती है. Can we say that together? क्या हम इसको कह सकते हैं एक साथ? एक माँ वो है जो परमेश्वर के चरित्र को इस पृथ्वी पर दिखाती है. Hallelujah. Hallelujah. And what's the character of God? और परमेश्वर का चरित्र क्या है? Does he condemn you, judge you? No. Does he do that? क्या वो दोष लगाता है? Even Jesus said, "I did not come." I came for those who are lost in this world. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके लिए आया जो संसार में खोए हुए हैं. Maybe your children are lost. हो सकता है आपके बच्चे खोए हुए हों. There was a stage we had trained our son and our children, but there was a stage where peer pressure becomes too much. और हम अपने बच्चों को सिखाते, हमारे जीवन में भी हमने अपने बेटे को अच्छे मार्ग पर चलना सिखाया, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बहुत ही तनाव और दबाव आसपास के लोगों का होता है. Temptations increase. अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं. Today the internet is the worst thing. और आज के समय में इंटरनेट एक बहुत ही बुरी चीज हो गई है. Where children are tempted to do the wrong things. जहां पर बच्चे गलत चीजों को करने के लिए अभिलाषी होते हैं. They are inside the house. वो घर के भीतर होंगे. But they are doing the worst sins. लेकिन वो बुरे पापों को कर रहे होंगे. As I deal with students in college. जब मैं कॉलेज में कुछ बच्चों से मेरी बात होती है. It's so sad to see how the enemy has robbed our children. तो ये बहुत बुरा लगता है देख के और सुन के कि किस प्रकार से शत्रु ने हमारे बच्चों को एक उन्हें बिल्कुल हर चीज से उन्हें चुरा लिया है. I experienced it in my own son's life. मैंने अपने बेटे के जीवन में अनुभव किया है. Like the lost sheep, he had gone away from the shepherd. Meaning he loved Jesus. एक खोई हुई भेड़ के समान वो अपने चरवाहे से दूर चला गया था. वो जानता था यीशु को, प्रेम करता था. But the world looked more attractive. लेकिन संसार उसको और ज्यादा आकर्षित लगा. And this morning we believe that our prodigal sons and daughters will be saved. Hallelujah. हम विश्वास करते हैं कि हमारे बेटे बेटियां उद्धार पाएंगे. They are lost in something. Sometimes when you see them, they are in some world. और जब आप उनको देखें तो शायद आपको लगेगा वो तो कहीं खोए हुए हैं. Something else is going in their brain. They are not there. उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. वो है ही नहीं आपके साथ. They are watching some serial from somewhere. They are living in Korea, but they are actually in India. और कहीं ना कहीं कुछ वो देख रहे होंगे और
है भारत में मगर रह रहे कोरिया में. So they are living in an imaginary world. और वो बिल्कुल काल्पनिक दुनिया में जी रहे What हैं. What will happen to that child? क्या होगा उस बच्चे का? She will only be in that imaginary world. वो अपने काल्पनिक संसार में ही जीता रहेगा. She doesn't know what the real world is. उन्हें पता नहीं है कि वास्तविक संसार क्या है. She doesn't know what it is to work in the house, clean the house, help in the house, उन्हें नहीं do पता things है, in the house. She doesn't know. घर में सहायता करना क्या होता है, झाड़ू लगाना क्या है और सफाई करना क्या है. But only with mobile, I say. लेकिन मोबाइल में लगे रहते हैं हर वक्त. Whole time. पूरा वक्त. Mothers. माँ. Was Hannah like that? क्या? Of course, there was no mobile in her time. क्या हन्ना ऐसी थी? जरूर उस समय मोबाइल नहीं था. But she trained her child in the way he should go. लेकिन उसने अपने बेटे की शिक्षा ऐसे दी जिस मार्ग पर उसे चलना था. Do you know what way your child should go? आप जानते हैं आपके बेटे बच्चों को किस मार्ग पे चलना है? You want them to just do well in studies, that's all? क्या आप चाहते हैं बस वो पढ़ाई में बहुत अच्छा करें? You know the Bible says in Luke 2:52 that even Jesus grew in wisdom, in stature, in favor with God and man. और लूका 2:52 में लिखा है कि यीशु मसीह भी अपने शारीरिक रीति से और बुद्धि में बढ़ते गया और परमेश्वर और मनुष्य दोनों की दृष्टि में उसने उपकार पाया. Like a table which has four legs. और एक मेज जिसके चार पाए होते हैं. Jesus grew in wisdom intellectually. यीशु मसीह बुद्धि में बढ़ते गए. Do you remember one day he was sitting in the temple? और आपको याद है एक दिन when वो मंदिर he was में 12 years old? और जब वो 12 वर्ष के थे. And he was dialoguing, he was talking with the teachers of the law. और व्यवस्था के शिक्षकों से वो वार्तालाप कर रहे थे. And he was growing in wisdom. और वो बुद्धि में बढ़ रहे थे. He was growing in stature. और वो डील-डॉल में बढ़ रहे थे. He was growing in favor with God. और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे थे. He told his mother when they were searching for him in the temple. और जब यीशु के माँबाप उसको मंदिर में ढूंढ रहे थे, तो यीशु ने कहा. He said, "Don't you know I have to do? This is my father's house." क्या आप नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के भवन में होना है? Which father is this? ये कौन पिता की बात है? He was talking about his heavenly father. वो अपने स्वर्ग पिता की बात कर रहे थे. So he had to obey his heavenly father. और उन्हें अपने स्वर्ग पिता की आज्ञा माननी थी. He also had to obey his earthly parents. और अपने सांसारिक माता पिता की भी आज्ञा माननी थी. 251 says that he was obedient to his parents, Jesus. 251 लूका कहता है वो अपने माता पिता का सब बातों को मानता था. Hallelujah. 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 Jesus knew his earthly responsibility and his heavenly responsibility. यीशु अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को भी जानते थे और स्वर्गीय जिम्मेदारियों को भी जानते थे. And we also have two responsibilities. और हमारी भी दो प्रकार की जिम्मेदारियां हैं. One is to obey, honor our parents. हम अपने माता पिताओं का आज्ञा माने और उनका आदर करें. We have responsible children need to obey their parents. और हमें बच्चे होने के जो हैं उन्हें हमें अपने माता पिताओं की आज्ञा माननी है. But our children and all of us need to be obedient to our heavenly father. लेकिन हम जितने बच्चे हैं हम सबको अपने स्वर्ग पिता के प्रति आज्ञाकारी होना. Are we obeying our heavenly father? क्या हम अपने स्वर्ग पिता की आज्ञा मान रहे हैं? If your heavenly father speaks a word to you, अगर आपका स्वर्ग पिता आपसे कोई शब्द कहता है, would you do it today? क्या आप उसको आज करेंगे? Mary, the mother of Jesus, was obedient to the word of God. और मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, वो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी थी. Hannah kept her vow, her promise she had made to God. और हन्ना ने उस वायदे को निभाया जो उसने परमेश्वर से किया था. Hannah brought up Samuel in the ways of God. और हन्ना शमूएल को परमेश्वर के मार्गों में चलाती गई. So did Mary, the mother of Jesus. और ऐसा ही मरियम जो यीशु की माँ थी, उन्होंने भी किया. Jesus worked under, they say his father died very young. और कहते हैं कि जो यूसुफ था, यीशु का पिता, वो बहुत ही जल्दी उम्र में वो मर गए थे. So Jesus had the responsibility of earning for his family. तो यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी कि वो अपने परिवार के लिए कमाए.
Mothers, please look into the growth of your children. और माओ आप लोग अपने बच्चों की बढ़ोतरी की ओर देखें. Watch them. उन्हें देखें. See how you can help them. और देखिए आप उनकी कैसे मदद कर सकती हैं. And if you feel they are spending their time too much on the social media or doing things which are not pleasing to God, help them. और यदि आप देखते हैं कि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो उनकी लिए अच्छा नहीं है सोशल मीडिया पर या कहीं भी, आप उनकी सहायता करिए. As mothers, this is our responsibility. और माँ होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है. To bring, to connect our children with God. कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर से जोड़ें. Like Hannah connected Samuel to God, like so that he could just minister in the temple. जैसे हन्ना ने परमेश्वर से शमूएल को जोड़ा और वो परमेश्वर की सेवा करता गया. She was a wise woman. वो एक बुद्धिमान महिला थी. That here Proverbs 31 talks about. और जिसके बारे में नीति वचन 31 कहता है. If you turn with me to Proverbs chapter 31. और अगर मेरे साथ आप निकालें नीति वचन उसका 31. From verse 29 and 30, many women do noble things. और 29 में लिखा है बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए. But you surpass them all. परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है. Charm is deceptive. और शोभा तो झूठी है. And beauty is fleeting. और सुंदरता व्यर्थ है. But a woman who fears the Lord is to be praised. परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी. Honor her for all her hands have done. और जो भी उसके हाथ ने किया उसे आप आदर करें. And let her works bring her praise. और उसके शब्द के कारण अनुग्रह हो. Women, charm is deceptive. और शोभा तो धोखा देती है. Beauty is fleeting. और सुंदरता भी व्यर्थ है. Don't put your energy and time too much into these temporary things. और इन अस्थाई बातों पर आप बहुत ज्यादा समय अपना ना व्यर्थ करें. Spending your energy on and money on things that are just fleeting. और ऐसी चीजों पर आप अपना पैसा और समय ना व्यर्थ करें जो अस्थाई है, कुछ समय का है और चला जाएगा. But as a woman who fears the Lord, लेकिन एक ऐसी महिला बने जो परमेश्वर का भय मानती है. Use your time, use your home. अपने समय को, अपने घर को आप इस्तेमाल करें. So that you can be a blessing. कि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने. Life is short. जीवन छोटा है. The psalmist says, our times are in his hands. और भजन लिखने वाला कहता है हमारा समय परमेश्वर के हाथों में है. Mothers have the heart of God. माओ परमेश्वर का हृदय रखें. Discern what God wants you to do. और जो परमेश्वर चाहते हैं आप करें, आप उसे परखें. Discern it. उसे आप परखें. And do it. और करें. And help your children to walk in the ways of God. और अपने बच्चों की सहायता करें कि वो परमेश्वर के मार्गों पर चलें. You know, if we don't do it, और अगर हम नहीं करेंगे, the next generation will lose their faith. तो अगली पीढ़ी अपने विश्वास को खो देगी. They might do very well in life in terms of, money and having a great job, but if their spirit is not connected with God, it's of no use. और हम भले ही इस संसार में बहुत तरक्की करें, बहुत पैसा हो, सुविधाएं हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के लिए उन बातों को इस्तेमाल नहीं करते तो वो सब व्यर्थ है. So even as we bow our heads in prayer, तो जब इस वक्त हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाते हैं, let's close our eyes and look to God in prayer. तो अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें. And mothers, would you make a commitment today? और जितनी माएं हैं वो आज इस निर्णय को ले, समर्पण करें आज. Like Hannah. हन्ना के समान. I will train my son and daughter. कि मैं अपने बेटे और बेटी को ऐसी शिक्षा दूंगी. So that he will be a blessing in the kingdom of God. कि वो परमेश्वर के राज में एक आशीष का कारण बने. He will minister. वो सेवा करे परमेश्वर की. He will be in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे. He will become what God wants him to be. और जो परमेश्वर चाहते हैं वो वही बने. There's a verse in the Bible says, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? और वचन कहता है कि क्या लाभ होगा यदि एक व्यक्ति पूरे संसार को पा ले
और अपना प्राण खो दे. What is the use? क्या लाभ? You have the whole, you have everything in the world, but your soul is lost. आपके पास संसार में सब कुछ है लेकिन आपका प्राण खोया हुआ है. So this morning, I want you to pray for your children. आज की सुबह आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें. At the same time, take out time to honor your spiritual mothers and your biological mothers if they are alive. और ऐसा समय निकालें और अपनी माँ जो आपकी शारीरिक माँ है और जो आत्मिक माँ है उनको आप आदर करें यदि अभी वो जीवित हैं तो. Call them up. आप उनको आज फोन मिलाएं. And tell them what a blessing they have been to you. उनसे कहें कि वो कितनी आशीष आपके लिए रहीं. Thank them. उनका धन्यवाद करें. Call your earthly mother if she is alive. और अपनी संसारिक माँ को भी फोन करें यदि वो जीवित हैं. And thank her for all that she has done to you. और जो भी उन्होंने आपके लिए किया उसके लिए उनका धन्यवाद करें. And that's the way we can honor them, not just today. और ऐसे हम उनका आदर कर सकते हैं केवल आज नहीं. You know, for honor is what God sees in us. और वो आदर है जो परमेश्वर हम में देखते हैं. When we honor God, जब हम परमेश्वर का आदर करें, and honor our parents, जब अपने माता-पिता का आदर करते हैं, there is a great blessing. तो एक बड़ी आशीष होती है. Hallelujah. 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 Let's sing a Hindi song, any song that. Pastor, one Hindi song. Yeah? Teri Ichha Puri Ho Jai. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Let's do what pleases God. और हम वो करें जो परमेश्वर को प्रसन्न है. What not what pleases us. जो हमें प्रसन्न है वो नहीं. Today, make that decision. Lord, I want to do what is in your heart. और परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर जो आपके हृदय में है वो हम करें. It's not about me, Lord. और ये मेरे बारे में नहीं है. Lord, help me to have spiritual children whom I can care for. और मेरी सहायता करें परमेश्वर, मुझे ऐसे आत्मिक बच्चे दे जिनका मैं ख्याल रख पाऊं. Lord, help me to reach out to lost children around, Father. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो खोए हुए बच्चे हैं हम उन तक पहुंच पाएं. So that they will come to know the Savior, that is Jesus. ताकि वो उस उद्धारकर्ता को जाने जो हमारा प्रभु यीशु है. That they will put an end to all their temptations. कि उनकी सभी अभिलाषाओं पर एक अंत लग जाए. And they will surrender their lives to Jesus. और अपना जीवन वो यीशु के लिए समर्पित कर दें. And so mothers. और माओ. May God help you to do the will of God. परमेश्वर आपकी सहायता करें कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें. The will of God is written in the word of God. परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में लिखी है. When we sincerely take God at his word. जब ईमानदारी से हम परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं. We believe it. हम विश्वास करते हैं. We put it into practice. हम अभ्यास में लाते हैं. I tell you, there is a great blessing. तो मैं बताना चाहता हूँ एक बड़ी आशीष होती है. Finally, I want to close with this verse from 1 John chapter 3 and verse 16. और पहला यहुन्ना उसके 3:16 के साथ मैं समाप्त करूंगी. If you can turn in your Bibles. अपनी बाइबल में निकालें. 1 John chapter 3 and verse 16. पहला यहुन्ना उसका 3:16. This is how we know what love is. हमने प्रेम इससे जाना है. Jesus Christ laid down his life for us. कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए. Can we say this? Jesus Christ laid down his life for us. क्या हम कह सकते हैं कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. और हमें भी भाइयों के लिए अपना जीवन देना चाहिए. Can you say it again? क्या बोल सकते हैं इसको? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया. हमें भी अपने भाई बहनों के लिए अपना जीवन देना चाहिए.
Verse 18 says, "Dear children, let us not love with words and speech, but with actions and in truth." और 18 वचन कहता है, हे बालको, हम वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें. Not just in words. केवल शब्दों में नहीं. But in deeds. लेकिन कामों में भी. And in truth. और सत्य में भी. What is that deed you would do? वो क्या है कार्य जो आप करेंगे? In your home. अपने घर में. So that you can be a blessing to someone. ताकि आप भी किसी के लिए आशीष का कारण बन सकें. Show it in action. उसको आप अपने कार्यों में दिखाएं. And may God bless you. और प्रभु आप सभी को आशीष दे. Let's sing this song. तेरी इच्छा पूरी हो जा. हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे. अपनी आंखों को बंद करें, इस प्रार्थना को अपने दिल से करें. अपने दिल की गहराई से ये शब्द एक प्रार्थना के रूप में पिता की ओर बढ़ने दें. तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपूंगा मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, मुझको बना. हाथों को उठाकर गाए, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना. अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा. लेकिन प्रभु आज से को लेता रहूं, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता रहूं. तेरी इच्छा मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको बना, एक और बार, मैं मिट्टी हूँ. आज के दिन इससे पहले कि हम अपने अपने घरों की ओर जाएं, इस मंदिर से हम बाहर निकलें, क्या ये एक समर्पण आप करना चाहेंगे? जो आज हमने सुना वचन के द्वारा, ये वचन केवल माओं के लिए नहीं है, परंतु हम में से हर एक के लिए है. हम किसी न किसी रीति से इन बातों को हम अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं, हम अपना सकते हैं, और हम अपने जीवन के द्वारा इसे हम अभ्यास में ला सकते हैं. पवित्र आत्मा आपको दिखा सकता है किस प्रकार से आप इन बातों को अपने जीवन के द्वारा आप लागू कर सकते हैं. इसलिए आइए, इससे पहले कि हम जाएं, हम एक समर्पण करें
और हम कहें, हे पिता परमेश्वर, आप जो एक माँ का हृदय भी रखते हैं, आप मेरे प्रति आप चिंता रखते हैं, आप मेरी परवाह करते हैं, आप हर एक बात से बढ़कर सबसे बड़ी बात यह है कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, और इसी वजह से आप मुझ पर दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, कृपा दिखाते हैं, आप मुझे आशीष देते हैं, मेरी अगुवाई करते हैं, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और इसीलिए मैं आज के सुबह आपके हाथों में अपने आप को अर्पित करता हूं, जिस प्रकार से हन्ना ने अपने पुत्र शमूएल को आपके हाथों में दिया एक छोटे से उम्र में, उसी प्रकार से मैं अपने आप को अर्पित करता हूं या करती हूं आज के दिन। हालेलुया। अपने एक हाथ को दिल पर रखिए, दूसरे हाथ को स्वर्ग की ओर उठाइए और इस अर्पण को आप करिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप परमेश्वर पिता से एक वाचा बांधिए। हालेलुया, हालेलुया। आप एक वाचा बांधिए अपने शब्दों में, जिस प्रकार से हमने गीत में गाया, लेकिन प्रभु आज से मैं अपने क्रूस को उठाऊंगा। वो बात जो पवित्र आत्मा आपको प्रकट करते हैं, उस बात को आप अपने जीवन में लागू करते हुए आप एक वाचा बांधिए कि हे प्रभु, पवित्र आत्मा की मदद से आज से मैं ये करूंगा या करूंगी, आज से मैं वैसा करूंगा या करूंगी, आज से मैं ये नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, आज से मैं वहां नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, आज से मैं ऐसे लोगों से अपने नाते को तोड़ूंगा जो मेरे जीवन में फलदायक नहीं है, जो मेरे जीवन में किसी काम के नहीं है, मैं उनसे अपने आप को, अपने कनेक्शन को तोड़ दूंगा और उन लोगों से जोड़ूंगा अपने आप को जो मेरे अंदर फल उत्पन्न करने में मदद करे, जो मेरी उन्नति करे, मेरी संगत को मैं बदलूंगा या बदलूंगी। आप एक निर्णय लीजिए, आप एक वाचा बांधिए। आज के दिन पवित्र आत्मा ने आपसे बात करी है, ये जरूरी है जब पवित्र आत्मा बात करे तो आप उन बातों की ओर एक प्रतिउत्तर आप दिखाएं, एक रेस्पॉन्स आप दें, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता इसीलिए है ताकि हम एक रेस्पॉन्स दें। एक रेस्पॉन्स के इंतजार में वो है। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आज के दिन आप हर एक हृदय में आप झांक कर आप देख सकते हो, आप देख सकते हो हर एक दिल में कौन सी बातें पाई जाती हैं, किन बातों के लिए भूख है, किन बातों के लिए एक प्यास है, किन बातों के प्रति एक इच्छा है, आप जानते हो और आप सच्चाई से जानते हो। इंसान दूसरे लोगों को चाहे जो भी धोखा क्यों ना दे, आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, आपको धोखा नहीं दिया जा सकता। सो इसीलिए हे प्रभु, आज की सुबह इससे पहले कि हम जाएं, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी है, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है, और अब ये हमारे ऊपर है कि इस संदेश का हम क्या करें। क्या हम चुनेंगे इस बात को कि हम इसे भूल जाएं और इसे कभी याद ना करें, या हम चुनेंगे कि जो जो हमने सुना है ना केवल हम याद करेंगे परंतु हम इसके अनुसार हम अपने जीवन में हम अभ्यास में लाएंगे। प्रभु जी, हर एक बात को हम आपके हाथों में देते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद। क्यों ना एक तालियों का भेंट हम चढ़ाएं प्रभु यीशु। आज का वचन, आज का संदेश प्रभु के दासी की ओर से, प्रभु के दासी के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। और आज के दिन जबकि हम यहाँ से जाएं, तो फिर इस वचन को, इस संदेश को हमारे कानों में गूंजने दे, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब जबकि हम जाते हैं यहाँ से, होने दे आपकी उपस्थिति को हम एहसास करते हुए हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। अपने शब्दों पर हम एक लगाम लगाएं, अपने सोच विचार पर प्रभु जी एक कब्जा,
और हमारे हाथ के कार्यों के द्वारा केवल आपकी महिमा होने पाए, और कोई काम नहीं और कुछ नहीं, केवल और केवल आपकी महिमा। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। होने दे ये आने वाला सप्ताह प्रभु एक बहुत ही फलदायक एक सप्ताह होने पाए, बहुत ही फलदायक प्रभु जी, जिससे आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमेन आमेन, हालेलुया।